हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो आज के लेसन में हम साइंस के जो फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 20 फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा लेसन। शुरू करते हैं हम। तो जो हमारा पहला फैक्ट है, आपको ये बताना है कि जो सोल्डर होता है वो किसका अलॉय होता है। तो ध्यान रखना है, सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ टिन प्लस लेड। टिन और लेड का जो हम दोनों को मिला के सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर का यूज़ कहाँ होता है? सोल्डर का यूज़ होता है मेनली जो वेल्डिंग पर्पज़ होते हैं, वेल्डिंग करते हैं ना, जो दो मेटल के पीसेस को जोड़ते हैं आपस में, तो वहाँ पे सोल्डर का यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरह से और भी अलॉय हैं जो हमको ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन से अलॉय हैं? एक आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंज किसका अलॉय है। तो ब्रोंज जो अलॉय है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन। ठीक है, ओके। आपने पढ़ा होगा ब्रोंज के बारे में कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रोंज स्टैचू और इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद एक अलॉय और हम पढ़ते हैं ब्रास। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, एक अलॉय और हम पढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर है वो किसका अलॉय है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ये होता है जर्मन सिल्वर में, सिल्वर नहीं होता, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा फैक्ट है वो ये है कि राइस की जो फील्ड होती है, पैडी फील्ड होती है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो आप ध्यान रखना, वहाँ से मीथेन गैस जो है वो निकलती है। ओके, थर्ड जो हमारा फैक्ट है कि व्हाट बेसिकली आर मिनरल्स। तो यहाँ से मैं आपको काफ़ी रिलेटेड फैक्ट्स बताऊँगा। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं आपके, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। क्या होते हैं ये? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। अभी इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी अलग अलग कंपोजिशन होती है। ठीक है, इनके अलग अलग, जैसे कि ये Al2SO4 3, इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट, या अलग अलग जो आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स हैं तो ओर्स क्या होते हैं? और एक हम फैक्ट पढ़ते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम ऑल ओर्स आर मिनरल्स? सारे ओर मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं होते, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो क्या होता है कि मिनरल में हर जो इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और अगर इस मिनरल में से कोई भी मेटल को हम अच्छी कंपोजिशन में, अच्छी मात्रा में, अच्छे फॉर्म में उसको निकाल पाते हैं, तो उस मिनरल को हम फिर बाद में क्या बोलते हैं? उस मिनरल को हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन सिर्फ वही मिनरल ओर होंगे। ओर तो मिनरल ही है, सारे ओर जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड ही हैं। ठीक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक सॉलिड में से हम मेटल को अच्छी क्वांटिटी में निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओर बोलते हैं। इसलिए सारे मिनरल ओर नहीं होते लेकिन सारे ओर मिनरल होते हैं। आई होप आप, ये थोड़ा सा ट्रिकी सी लाइन है पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट है कि जो पटाखों में जो ब्राइट रेड लाइट निकलती है वो कौन से एलिमेंट के कारण निकलती है? तो वो जो लाइट निकलती है वो निकलती है आपकी किसके कारण? स्ट्रॉन्शियम के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम जो एलिमेंट है उसकी फैमिली में और भी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, और ये रेडॉन, इस तरह से ये पूरी फैमिली है इनकी एलिमेंट की, और इसमें से जो स्ट्रॉन्शियम है वो देता है क्रैकर्स को रेड लाइट। ठीक, अगला जो फैक्ट देखोगे कि एनेस्थीशिया जो है वो कौन सी गैस होती है जो एनेस्थीशिया का काम करती है? तो वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लाफिंग गैस कौन सी होती है। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट है कि जो एटमोसफियर में जो गैसेस हैं उसमें एक गैस है ऑर्गन। तो ऑर्गन का परसेंटेज कितना है? तो ऑर्गन का परसेंटेज ध्यान रखना 0.93 है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है गैस वो है नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर जो गैस है वो CO2 है क्या? नहीं, वो CO2 नहीं है, वो है ऑर्गन। और उसके बाद जो अगले नंबर पर जो आती है वो आती है आपकी CO2, ध्यान रखना। तो इसका कंपोजिशन है 0.93, तो इसको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ है। अगला जो फैक्ट है हमारा कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो है वो आपकी ऑर्गन भरी जाती है। ओके, अगला जो हमारा फैक्ट है कि आपकी जो केरोसिन है वो केमिकली क्या होता है? केरोसिन घासलेट क्या होता है? तो ध्यान रखना, केरोसिन जो होता है वो आपके क्या होता है? मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। केरोसिन इज ए मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये एलिफेटिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, तो दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक वो होते हैं जिसमें ऐसे रिंग नहीं होती,
ऐसी बेंजीन रिंग नहीं होती है। इसको हम जैसे ये होता है ना, जैसे एक रिंग हो गई, फिर ये इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और अगर ऐसे में यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा दो तो वो डबल बॉन्ड। तो ऐसे जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो ऐसे जहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोलते हैं, और जहाँ पे बेंजीन रिंग होती है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक बोलते हैं। तो केरोसिन क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप बोल दो कि केरोसिन इज नथिंग बट केमिकल, केरोसिन की केमिकल कंपोजिशन वो किस क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगला जो हमारा फैक्ट है वो देखना है हमको कि जो एलपीजी आपकी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मेनली कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप ध्यान रखना, उसमें मेनली होते हैं आपका, एक तो होता है ब्यूटेन और दूसरा होता है प्रोपेन। तो ब्यूटेन आपका होता है C4H10 और C3H8। तो आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जहाँ पे भी AnEn लगा हुआ है तो आपका क्या करोगे, CnH2n+2 के हिसाब से बना दोगे। तो ये C4 है तो H2 × 4 = 8 एंड 8 + 2 = 10, तो इसी तरह से ये भी बन जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जो हम कैंडल देखते हैं, मोमबत्ती देखते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। तो ध्यान रखना, उसमें क्या होता है, एक तो आपका होता है, उसमें एक तो आपका होता है पैराफिन वैक्स। अभी पैराफिन वैक्स क्या होता है, जो हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो अभी पढ़े हैं ये वही होता है, और साथ में होता है आपका स्टेरिक एसिड। तो ये स्टेरिक एसिड क्या होता है, ये होता है आपका C17H35COOH। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, तो यहाँ C17 है और यहाँ पे एक कार्बन और है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 18 हो गए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ये रॉकेट्स जाते हैं, जो आपकी सैटेलाइट लेके जो रॉकेट जाते हैं, तो वो उसमें फ्यूल कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, उसमें फ्यूल जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये उसमें फ्यूल होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको मैं बताना है, जैसे आपको ये लिखा हुआ है कि HB+CO, तो ये बताना है आपको कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो ये समझो कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक बहुत बेसिक वे में बताता हूँ, ये इस तरह से ऐसी चार रिंग होती हैं, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसी बॉन्ड भी होते हैं, आपको स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखना। और यहाँ पे आके क्या, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे Fe भी जुड़ा होता है, Fe, ठीक, और इस Fe से क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो Fe से ऑक्सीजन जुड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल। मतलब ये जब ये हेमोग्लोबिन ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उनको ये ऑक्सीजन दे देता है और बाद में फिर ऑक्सीजन लेके, तो ये हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन अगर मान के चलो कि हम किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ आग लगी है या कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे लिखते हैं, और ये जो लिखा है ना मैंने, ये है कोबाल्ट और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई तो वो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पावर है हेमोग्लोबिन से जुड़ने की वो ज़्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इरिवर्सिबल का मतलब समझो कि जो कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं, जो कॉम्प्लेक्स टूट नहीं सकता, इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए अगर आग लगती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए डेथ हो जाती है क्योंकि वो उसका हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला देखो आप आपका कि आपको ये बताना है कि ये जो क्लोरोपिक्रीन होता है ये क्या है, ये किस खेत की मूली है क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन क्या है आपका, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म है। क्या है भैया, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म है। और इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है आपका एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म होता है और ये एंटी माइक्रोबियल, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है माइक्रोब्स को मारता है। ओके, अब हमारा जो अगला है, तो हमको आपको ये बताना है कि जो बुलेट प्रूफ विंडोज़ होती हैं, आपने कार में भी देखी होंगी, तो उसकी केमिकली वो क्या होता है। तो जो बुलेट प्रूफ विंडोज़ होती हैं वो होती हैं पॉली कार्बोनेट्स होती हैं। अब ये पॉली कार्बोनेट्स क्या होता है, देखो ये CO3 2-, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। जैसे आपने सुना ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह से आपने सुना होगा नाम। तो ये जो कार्बोनेट होता है ना, ये बहुत सारे कार्बोनेट आपस में जुड़ जाते हैं, इनको इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली कार्बोनेट, CO3 2- और यहाँ पे N लग जाता है। तो ये जो बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनती हैं आपकी, वो पॉलीकार्बोनेट से बनती हैं। ठीक है, आगे आ जाओ आप। जो वाटर गैस, एक इंडस्ट्री में गैस यूज़ होती है वाटर गैस, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, साथ में हाइड्रोजन होता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, वाटर गैस बनाती हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है कि एप्पल, AEEPL,
जो फ्रूट होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो ध्यान रखना उसके अंदर होता है मैलिक एसिड। ठीक है, हम उसका फॉर्मूला नहीं देखेंगे, पर ध्यान रखना मैलिक एसिड। एक एसिड होता है MALEIC एसिड, ये एसिड और ये एसिड दोनों में बहुत फ़र्क है। ये मत समझना कि एग्ज़ाम में अगर ये आ गया तो बहुत कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, अब लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो ये ई वाला एसिड एप्पल में नहीं है, ये वाला एसिड एप्पल में है मैलिक। ठीक है, तो ये और दूसरे फ्रूट्स में भी होता है और ये एक स्वीट स्मेल भी कई बार देता है। ठीक है, अच्छा जो आप नेल, अगला फैक्ट है हमारा कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो केमिकली क्या होता है, तो ध्यान रखना वो एसीटोन होता है। ठीक है, अच्छा अगला फैक्ट हम देखेंगे कि फ्रीऑन्स किसको बोलते हैं, फ्रीऑन्स, तो ध्यान रखना फ्रीऑन्स किसको बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स को कहा जाता है। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ये CF2 Cl2, तो ये एक क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, तो इट इज़ ए फ्रीऑन। ओके, इट इज़ अ फ्रीऑन। अब ये फ्रीऑन्स थोड़े से नुकसानदायक होते हैं बिकॉज ये फ्रिज में AC में यूज़ होते हैं, तो ये क्यों नुकसानदायक हैं, बिकॉज ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जैसे O3 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 इस तरह से लेयर है, 3 O लगे हुए हैं, तो अब ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो होते हैं ना, इनमें से एक Cl निकलता है और ये एक Cl इससे जुड़ जाता है, और Cl जुड़ के O2 अलग कर देता है और इस O को वो ClO खुद ले जाता है। तो ये बताने का मकसद ये था, आप दिमाग में रखना कि ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन किस तरह से ओजोन लेयर को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, आगे हमारा जो क्वेश्चन है, अच्छा एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए किया गया था, कि हम लोग जो है पूरा जो पूरी दुनिया है वो आपके ओजोन ओजोन लेयर को बचाएगी और फ्रीऑन्स का यूज़ कम करेगी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो फ्रूट्स को जल्दी राइप करने के लिए मदद करती है, मतलब फ्रूट जल्दी पक जाए। ठीक है, तो वो होती है एसिटिलीन। ये जो गैस होती है वो फ्रूट्स को जल्दी राइप करने के लिए मदद करती है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको ये बताना है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ध्यान रखना आइसोटॉप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स दिख रहे हैं, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्राइटियम। तो आप देखोगे कि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सबका एटॉमिक नंबर 1 1 1 है, और मास नंबर सबका क्या है, 1 2 और 3, सबका मास नंबर अलग है। ठीक है, सबका मास नंबर अलग है। तो आप देखोगे कि इन तीनों में, जैसे ये 1 1 H है, तो अगर मैं बोलूँगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन भी होगा। और न्यूट्रॉन कितना है, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन क्या होता है कि जैसे ये मास नंबर है, तो ये जो मास नंबर है ये किससे मिलकर बनता है, ये प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 1, तो आप 1 - 1 कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 0 हुए। अगर आप इसमें निकालोगे तो यहाँ देखो ये 2 और 1 और यहाँ हाइड्रोजन, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा। और जो मास नंबर है, 2 इज दी मास नंबर, तो हम क्या करेंगे न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 2 में से 1 का माइनस कर देंगे, तो 1 बचा, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक, उसके बाद आप अगर ट्राइटियम का निकालोगे तो प्रोटॉन कितने हुए, 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 हो गया, न्यूट्रॉन कितने हुए, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन होंगे 3 - 1, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि आइसोटॉप्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है बट न्यूट्रॉन्स अलग हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो ध्यान रखना आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो DNA होता है, DNA में मोनोमर यूनिट क्या होता है, मतलब DNA एक अपने आप में एक पॉलीमर है। पॉलीमर समझते हो ना, कि बहुत सारे यूनिट्स जब मिलकर कोई बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर के अंदर यूनिट क्या है, मतलब कौन कौन से छोटे यूनिट हैं जिसने मिलकर DNA बनाया है। तो ध्यान रखना इसमें होती है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होती है शुगर, शुगर भी कौन सी है इसमें, राइबोस शुगर है। एक होता है आपका नाइट्रोजन बेस, खाली नाम ध्यान रख लो, डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 मिलके क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर आप इसमें से फॉस्फेट को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो बताना है आपको, ये पैरासीटामोल जो है ये क्या है। तो पैरासीटामोल एक दवाई है जो जिसको हम बोलते हैं इट इज़ एन एनल्जेसिक। तो एनल्जेसिक क्या होता है, जो पेन किलर होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम तो ये बुखार में भी लेते हैं, तो यस ये मेनली एनल्जेसिक है, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर एंटी
पायरेटिक प्रॉपर्टी भी हैं। तो अगर क्वेश्चन आए और उसमें एनल्जेसिक और एंटी पायरेटिक हो तो एनल्जेसिक लगा देना, और अगर लिखा हो बोथ ए एंड बी तो फिर दोनों को लगाना, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो ये ओजोन लेयर, अर्थ सरफेस जो है हमारा, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कितने ऊपर ओजोन लेयर है। तो ध्यान रखना कि जो 10 किलोमीटर है यहाँ पे, ये पृथ्वी से 10 किलोमीटर दूर यहाँ पे है ट्रोपोस्फीयर, और अराउंड 50 किलोमीटर जो है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, 10 से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 15 से 30 किलोमीटर के बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो आपको आंसर दोगे जो ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमारे साइंस के फैक्ट्स हो गए फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक लगी होगी तो भी प्लीज़ बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।